Bismillahirrahmanirrahim. In our last class, we had discussed about the supply systems. We had discussed about the AC supply scheme. के जो हमारा electrical supply scheme है वो किस तरह है. तो हमने power station के बारे में discuss किया था. हमने ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था और हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था. आज हम डीसी और एसी ट्रांसमिशन को कंपेयर करेंगे. आज हम ये देखेंगे दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीसी ट्रांसमिशन एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी ट्रांसमिशन. सो today we will compare the DC and AC transmission. So the electric power can be transmitted either by means of DC or AC. Each system has its own merits and demerits. It is therefore desirable to discuss the technical advantages and disadvantages of the two systems for transmission of electric power. हम electric power generate करते हैं, फिर उसी इलेक्ट्रिकल पावर को हम ट्रांसमिट करते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सो फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन के लिए हम एसी भी यूज कर सकते हैं और डीसी भी यूज कर सकते हैं. क्या मतलब है इसी बात का कि इलेक्ट्रिकल पावर को हम इन द फॉर्म ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट डी ट्रांसमिट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल पावर को हम इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट भी ट्रांसमिट कर सकते हैं. नाउ वी विल सी दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डीसी ट्रांसमिशन एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डीसी ट्रांसमिशन एंड आफ्टर दैट वी विल सी दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी ट्रांसमिशन. सो लेट्स डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डीसी ट्रांसमिशन. फॉर सम इयर्स पास्ट द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर by DC has been receiving the active consideration of engineers due to its enormous advantages. हम देख रहे हैं कि कुछ सालों से DC transmission पे काम हो रहा है. क्यों? Due to the introduction of high power ratings of semiconductors, जिनको हम rectifiers और converters में use करते हैं. सही है? So the DC transmission has gained focus. और आजकल पाकिस्तान में भी डीसी ट्रांसमिशन पे काम हो रहा है. क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा सिस्टम है वो एसी सिस्टम है, मतलब हम इलेक्ट्रिकल पावर को इन द फॉर्म ऑफ एसी ट्रांसमिट कर रहे हैं. लेकिन अभी आजकल हम डीसी ट्रांसमिशन पे भी काम कर रहे हैं. सो लेट्स डिस्कस व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डीसी ट्रांसमिशन. द हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस ओवर द हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन. पहली बात तो ये है कि जब हम इलेक्ट्रिकल पावर को, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ डीसी ट्रांसमिट करते हैं. सो फॉर द डीसी ट्रांसमिशन वी रिक्वायर ओनली टू कंडक्टर्स एज कंपेयर टू एसी ट्रांसमिशन, बिकॉज इन केस ऑफ एसी ट्रांसमिशन वी रिक्वायर थ्री कंडक्टर्स. सो देयर इज अ सेविंग ऑफ कंडक्टर मटेरियल. ओके, डीसी जब हम इलेक्ट्रिकल पावर को इन द फॉर्म ऑफ डीसी ट्रांसमिट करते हैं तो उसके लिए हमें सिर्फ दो कंडक्टर्स की जरूरत होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. लेकिन जब हम एसी ट्रांसमिशन करते हैं, हम पावर को इन द फॉर्म ऑफ एसी ट्रांसमिट करते हैं, तो उसके लिए हमें तीन फेजेस की जरूरत होती है. लाइक लास्ट क्लास में हम ये बात डिस्कस की थी कि ट्रांसमिशन के लिए हम थ्री फेज थ्री वायर एसी सिस्टम यूज करते हैं. There is no inductance, capacitance, phase displacement and surge problems in DC transmission. जब हम पावर को इन द फॉर्म ऑफ डीसी ट्रांसमिट करते हैं तो डीसी ट्रांसमिशन में कोई इंडक्टेंस नहीं होता, कैपेसिटेंस नहीं होता, फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं होता और सर्ज प्रॉब्लम्स. जब हम पावर को इन द फॉर्म ऑफ एसी ट्रांसमिट करते हैं तो एसी में इंडक्टेंस भी होता है, कैपेसिटेंस भी होता है, फेज डिस्प्लेसमेंट और सर्ज प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन ये चीजें डीसी ट्रांसमिशन में नहीं होती. अब एसी में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस किस तरह होता है? सो लेट्स सपोज वी हैव अ कंडक्टर
लेट सपोज वी हैव अ कंडक्टर और उसी कंडक्टर में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है. सो याद रखें कि जब एक कंडक्टर में से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है सो उसी कंडक्टर के साथ चेंजिंग फ्लक्स लिंक करता है. और जब एक कंडक्टर के साथ फ्लक्स लिंकेजेस होती हैं सो दैट कंडक्टर विल प्रोड्यूस इंडक्टर इंडक्टेंस. दोबारा सुन लें कि जब एक कंडक्टर में से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है नॉट अ डायरेक्ट करंट. जब एक कंडक्टर में से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है सो उसी कंडक्टर के साथ चेंजिंग फ्लक्स लिंक करता है. सो जब एक कंडक्टर के साथ चेंजिंग फ्लक्स लिंक करता हो सो दैट कंडक्टर विल प्रोड्यूस इंडक्टेंस. सो इंडक्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द फ्लक्स लिंकेजेस पर यूनिट करंट. द फ्लक्स लिंकेजेस पर एम्पेयर्स आर पर यूनिट करंट. तो जब एक कंडक्टर में से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता हो सो वो कंडक्टर इंडक्टेंस प्रोड्यूस. इसी तरह जब एक कंडक्टर में से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता हो सही है, या जब हम एसी ट्रांसमिशन की बात करते हैं सो देयर इज अ चार्जिंग करंट ड्यू टू द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर्स. क्योंकि कंडक्टर्स में से एसी करंट फ्लो करता है तो जब इन कंडक्टर्स को हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं सो देयर विल बी अ चार्जिंग करंट बिटवीन द टू कंडक्टर्स ड्यू टू द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर्स. और ये चार्जिंग करंट तब भी रहेगा जब ये सर्किट ओपन हो. मतलब अगर ये सर्किट ओपन भी होगा तब भी ये चार्जिंग करंट फ्लो करेगा ड्यू टू द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर. और याद रखे कि ये इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस डीसी ट्रांसमिशन में नहीं होता. इसी तरह देयर इज अ फेज डिस्प्लेसमेंट एंड सर्ज प्रॉब्लम्स इन एसी ट्रांसमिशन. वी हैव इंडक्टेंस वी हैव कैपेसिटेंस सो द करंट विल लैग. वी हैव इंडक्टेंस इन एसी ट्रांसमिशन सो द करंट विल लैग द वोल्टेज. सो देयर विल बी अ फेज डिस्प्लेसमेंट. चूंकि डीसी ट्रांसमिशन में कोई इंडक्टेंस नहीं होता कैपेसिटेंस नहीं होता फेज डिस्प्लेसमेंट और सर्च प्रॉब्लम नहीं होती सो डीसी ट्रांसमिशन इज बेटर देन एसी ट्रांसमिशन. नाउ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंडक्टेंस द वोल्टेज ड्रॉप इन अ डीसी ट्रांसमिशन लाइन इज लेस देन एसी लाइन फॉर द सेम लोड एंड सेंडिंग एंड वोल्टेज. चूंकि जब हम पावर को इन द फॉर्म ऑफ डीसी ट्रांसमिट करेंगे तो डीसी ट्रांसमिशन में इंडक्टेंस नहीं होगा. जब इंडक्टेंस नहीं होगा तो कोई इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं होगा और उसी इंडक्टिव रिएक्टेंस की वजह से कोई वोल्टेज ड्रॉप अकर नहीं करेगा लाइन में. तो हम क्या कहते हैं दैट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंडक्टेंस the voltage drop in a DC transmission will be less than the AC line. के मतलब अगर हम power को in the form of AC transmit करते हैं तो उसमें voltage drop ज़्यादा होगा as compared to the voltage drop in a DC transmission. क्योंकि DC transmission में कोई inductance नहीं होगा तो कोई inductive reactance नहीं होगा. जब कोई inductive reactance नहीं होगा तो कोई voltage drop नहीं होगा. सो वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से होता है इन केस ऑफ डीसी ट्रांसमिशन. तो हम यही कहते हैं कि डीसी ट्रांसमिशन का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी लेस देन द वोल्टेज ड्रॉप इन एसी ट्रांसमिशन. फॉर दिस रीजन अ डीसी ट्रांसमिशन हैज बेटर वोल्टेज रेगुलेशन. तो इसलिए डीसी ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो बेटर होगा. क्योंकि जितना ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है तो वोल्टेज रेगुलेशन रिड्यूस कर जाता है. वोल्टेज रेगुलेशन मतलब वर्स्ट केस की तरफ जाता है बेटर नहीं होता. जितना वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो उतना ही वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज रेगुलेशन बेटर होगा.
डीसी सिस्टम में कोई स्किन इफेक्ट नहीं होता। जब कोई स्किन इफेक्ट नहीं होता सो जो एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है वो यूटिलाइज होता है। अब स्किन इफेक्ट क्या होता है, याद रखें कि जब एक कंडक्टर में से डीसी करंट फ्लो करता है, तो उसी कंडक्टर का सारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यूटिलाइज होता है। लेकिन जब एक कंडक्टर में से एसी करंट फ्लो करता है तो उसी कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सारा यूटिलाइज नहीं करता, बल्कि जो करंट है वो उस कंडक्टर के सरफेस पे फ्लो करता है। द करंट एक्चुअली फ्लोज ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इन केस ऑफ एसी। सो दिस टेंडेंसी ऑफ करंट टू कॉन्सेंट्रेट नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज एक्चुअली कॉल्ड स्किन इफेक्ट। दोबारा सुनिए, that this tendency of current to concentrate near the surface of the conductor in case of AC is actually called skin effect. तो DC system में कोई skin effect नहीं होता क्योंकि conductor का जितना भी area है, cross sectional area है, वो सारा utilize करता है। सही है? तो हम ये कहते हैं कि due to the skin effect जो effective resistance है वो increase कर जाता है in case of AC। एसी सिस्टम में चूंकि स्किन इफेक्ट अकर करता है, जब स्किन इफेक्ट अकर करता है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि जो करंट है वो पूरे क्रॉस सेक्शनल को यूटिलाइज नहीं करता, सिर्फ सरफेस को यूटिलाइज करता है। और जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस होगा ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज। सो डीसी सिस्टम में कोई स्किन इफेक्ट नहीं होता तो इसलिए पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है कंडक्टर का वो यूटिलाइज होता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट इन डीसी सिस्टम द पोटेंशियल स्ट्रेस ऑन द इंसुलेशन इज लेस देन इन एसी सिस्टम। हम जब एक लाइन कंडक्टर पोल के साथ कनेक्ट करते हैं या टावर के साथ कनेक्ट करते हैं सो वो हम इंसुलेटर्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो जब हम पावर को इन द फॉर्म ऑफ डीसी ट्रांसमिट करते हैं तो उन इंसुलेटर्स पे पोटेंशियल स्ट्रेस, वोल्टेज स्ट्रेस या इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस कम होता है एज कंपेयर टू कि जब हम पावर को इन द फॉर्म ऑफ एसी ट्रांसमिट करते हैं। ये क्यों? क्योंकि जब हम पावर को इन द फॉर्म ऑफ एसी ट्रांसमिट करते हैं तो इंसुलेशन पे जो इंसुलेटर्स हम यूज करते हैं, इंसुलेटर्स असल में हम इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स यूज करते हैं, मतलब एक स्ट्रिंग में बहुत सारी डिस्क्स लगे होते हैं। तो इन डिस्क्स पे जो वोल्टेज स्ट्रेस होता है या जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, बल्कि जो डिस्क कंडक्टर के साथ करीब होगा उस पे वोल्टेज स्ट्रेस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट डिस्क व्हिच इज नियर टू द पोल। मतलब जो वोल्टेज स्ट्रेस है वो यूनिफॉर्म नहीं होता ड्यू टू द सीरीज कैपेसिटेंस एंड शंट कैपेसिटेंस ऑफ द इंसुलेटर्स। जब वोल्टेज स्ट्रेस यूनिफॉर्म नहीं होता तो इसलिए हम कहते हैं कि इन केस ऑफ एसी सिस्टम इंसुलेटर्स पे पोटेंशियल स्ट्रेस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द डीसी सिस्टम फॉर द सेम वर्किंग वोल्टेज। देयरफॉर अ डीसी सिस्टम या अ डीसी लाइन रिक्वायर्स लेस इंसुलेटर। A DC line has less corona loss and reduced interference with communication circuits. Now, what is actually corona? Corona के बारे में तो आप खूब जानते होंगे, but this is actually the electrical phenomenon. अगर आप लोगों ने जो transmission lines होती हैं, अगर during the rainy season किसी substation को आपने visit किया हो या अगर transmission line को देखा हो, चाहिए तो एक हिसिंग या सिजलिंग साउंड इसके इर्द गिर्द प्रोड्यूस होती है और साथ साथ एक वायलेट ग्लो भी प्रोड्यूस होती है। अगर आपने कोई सबस्टेशन विजिट किया हो तो उधर आप देख लेंगे कि वहाँ ट्रांसमिशन लाइंस एक हिसिंग या सिजलिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। सो दिस इज एक्चुअली कोरोना।
एंड ड्यू टू कोरोना पावर लॉसेस अकर एंड ड्यू टू दिस कोरोना देयर इज इंटरफेरेंस विद द कम्युनिकेशन लाइंस. जितना कोरोना ज्यादा होगा तो कम्युनिकेशन सर्किट्स में इंटरफेरेंस ज्यादा होगा. और याद रखें कि इन केस ऑफ एसी ट्रांसमिशन ये कोरोना 3 times ज्यादा होता है इन केस ऑफ डीसी ट्रांसमिशन. इट मीन्स दैट द कोरोना लॉस इन डीसी ट्रांसमिशन इज 3 times लेस देन द कोरोना लॉस इन एसी ट्रांसमिशन. तो जितना कोरोना लॉस ज्यादा होगा उतना ही पावर लॉस ज्यादा होगा और साथ साथ कम्युनिकेशन सर्किट्स में इंटरफेरेंस ज्यादा होगा. तो चूंकि कोरोना लॉसेस डीसी ट्रांसमिशन में कम होती हैं तो इसीलिए अगर हम पावर को इन द फॉर्म ऑफ डीसी ट्रांसमिट करते हैं so there will be reduced interference with the communication circuits. The high voltage DC transmission is free from dielectric losses, particularly in the case of cables. Jo dielectric losses hoti hain wo frequency pe depend karti hain. Jab dielectric losses frequency pe depend karti hain and reversal of phase pe depend karti hain, it means that dielectric losses frequency pe depend karti hain. Aur chunki jab hum पावर को इन द फॉर्म ऑफ डीसी ट्रांसमिट करेंगे तो डीसी ट्रांसमिशन की फ्रीक्वेंसी जीरो होगी. डीसी पावर या डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है. सो हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन में कोई डायलेक्ट्रिक लॉसेस अकर नहीं करेंगे, पार्टिकुलरली इन केस ऑफ केबल्स. एंड डीसी ट्रांसमिशन देयर आर नो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड सिंक्रोनाइजिंग डिफिकल्टीज. डीसी ट्रांसमिशन में कोई स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स भी नहीं होती और सिंक्रोनाइजिंग डिफिकल्टीज भी. जिस तरह एसी ट्रांसमिशन जब हम पावर को इन द फॉर्म ऑफ एसी ट्रांसमिट करते हैं तो वहां पे स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स भी आकर करती हैं और सिंक्रोनाइजिंग डिफिकल्टीज भी होती हैं जब हम एक पावर हाउस को किसी लाइन के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं. तो जब हम किसी पावर हाउस को या किसी पावर स्टेशन को लाइन के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं तो उनकी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं. जब तक वो कंडीशंस मीट नहीं करेंगी तब तक वो पावर हाउस उसी लाइन के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होगा. सो देयर आर सिंक्रोनाइजिंग डिफिकल्टीज एंड देयर आर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स इन एसी ट्रांसमिशन. और ये सिंक्रोनाइजिंग डिफिकल्टीज और स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स डीसी ट्रांसमिशन में नहीं होती. सो दीज वर सम एडवांटेजेस ऑफ डीसी ट्रांसमिशन. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डीसी ट्रांसमिशन. एक एडवांटेज तो ये है, एक डिसएडवांटेज तो यह है कि डीसी पावर को हम हाई वोल्टेज पे, हाई वोल्टेज लेवल पे जनरेट नहीं कर सकते. जिस तरह एसी पावर के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम जब एसी पावर को जनरेट करते हैं तो वो एक खास वोल्टेज लेवल पे जनरेट करते हैं, दैट वाज 11 kV. फिर उसी 11 kV को हम स्टेप अप करते हैं. तो रिमेंबर दैट डीसी पावर को या इलेक्ट्रिक पावर को हम हाई डीसी वोल्टेज पे जनरेट नहीं कर सकते ड्यू टू कम्यूटेशन प्रॉब्लम्स. एंड व्हाट इज एक्चुअली कम्यूटेशन, रिमेंबर दैट जो डीसी जनरेटर्स हम यूज करते हैं वहां पे जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है दैट इज एसी. फिर उसी एसी वोल्टेज को हम कन्वर्ट करते हैं डीसी वोल्टेज में बाय यूजिंग कम्यूटेटर्स. तो अगर हम डीसी पावर जनरेट करेंगे तो उसके लिए जाहिर बात है हम डीसी जनरेटर्स यूज करेंगे. सो डीसी सो इलेक्ट्रिकल पावर को हम हाई वोल्टेज, हाई डीसी वोल्टेज पे जनरेट नहीं कर सकते ड्यू टू कम्यूटेशन प्रॉब्लम्स, कि हम हाई वोल्टेज एसी को हाई वोल्टेज डीसी में इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते. सो ड्यू टू दीज प्रॉब्लम्स वी कैन नॉट जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर एट हाई डीसी. दूसरी बात यह है कि जब हम एक खास वोल्टेज लेवल पे इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस करते हैं जब हम एसी ट्रांसमिशन यूज करते हैं तो फिर क्या करते हैं कि उसी वोल्टेज लेवल को हम स्टेप अप करते हैं बाय यूजिंग द स्टेप अप ट्रांसफार्मर. और जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे उसी वोल्टेज लेवल को हम स्टेप डाउन करते हैं बाय यूजिंग द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिकल पावर डीसी वोल्टेज पे जनरेट करेंगे तो उसी डीसी वोल्टेज को हम स्टेप अप भी नहीं कर सकते. The DC voltage cannot be stepped क्योंकि ट्रांसफार्मर हम यूज नहीं कर सकते DC voltage के लिए. So the DC voltage cannot be stepped up for transmission of power at high voltages. और apart from that,
डीसी ट्रांसमिशन के लिए हम डीसी स्विचेस यूज करेंगे और सर्किट ब्रेकर्स यूज करेंगे तो उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। लाइक हम रेक्टिफायर यूज करेंगे जनरेशन साइड पे, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे हम कन्वर्टर्स इन्वर्टर्स यूज करेंगे तो इन डीसी स्विचेस की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। सो दीज आर एक्चुअली द डिसएडवांटेजेस ऑफ हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन। नाउ वी हैव एसी ट्रांसमिशन। अभी जो हमारा सिस्टम है दैट इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ एसी। नाउ नाउअडेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मोस्ट एक्सक्लूसिवली जनरेटेड ट्रांसमिटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ एसी। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसी ट्रांसमिशन। द पावर कैन बी जनरेटेड एट हाई वोल्टेजेस, ये बात ऑलरेडी हम डिस्कस कर ली कि हाई वोल्टेज एसी पे हम इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर सकते हैं जो नॉर्मली हम जनरेट करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो एसी सबस्टेशंस हम यूज करते हैं, सबस्टेशंस के बारे में लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन की थी दैट एनी ऑपरेटर स्विच चेंजेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इज एक्चुअली कॉल्ड अ सबस्टेशन। तो इन सबस्टेशंस की जो मेंटेनेंस होती है वो इजी और चीपर होती है। और तीसरी एडवांटेज भी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली कि एसी वोल्टेज को हम इजीली स्टेप अप भी कर सकते हैं और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रांसफार्मर्स। सो दिस परमिट्स to transmit power at high voltages and distribute at safe levels. So easily voltages ko hum AC voltages ko hum step up bhi kar sakte hain, step down bhi kar sakte hain. So easily power ko hum transmit bhi kar sakte hain aur distribute bhi kar sakte hain. But what are the disadvantages? Disadvantages jab hum इलेक्ट्रिकल पावर को इन द फॉर्म ऑफ एसी ट्रांसमिट करते हैं तो डिसएडवांटेज ऑलरेडी हमने डिस्कस भी कर ली कि जब हम डीसी ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम दो लाइन यूज करते हैं, यहाँ पे हम थ्री फेज सिस्टम यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉपर ज्यादा रिक्वायर्ड होता है या कंडक्टर मटीरियल ज्यादा रिक्वायर्ड होता है एज कम्पेयर टू डीसी ट्रांसमिशन। अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम एसी ट्रांसमिशन सिस्टम डिवेलप करते हैं so their process is much more complicated than DC transmission. क्योंकि AC transmission के लिए हम three phase system use करते हैं तो उसी के हिसाब से हम towers भी लगाते हैं। DC transmission के लिए हम two phase या two wire system use करते हैं तो जो हमारा system है वो इतना complex नहीं होता as compared to the AC transmission. Due to the skin effect in the AC system, the effective resistance, of the line is increased. ये बात भी already हमने discuss कर ली है कि AC system में चूंकि skin effect होता है तो conductor का पूरा जो cross sectional area है वो utilize नहीं करता तो इसलिए AC resistance जो है या effective resistance जो है वो increase करती है। जब कंडक्टर का पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया यूटिलाइज नहीं करेगा सो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन विल बी इंक्रीज्ड ड्यू टू द स्किन इफेक्ट। एंड एसी लाइन हैज कैपेसिटेंस, देयर इज अ कैपेसिटेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। कैपेसिटर असल में क्या होता है, व्हेन द टू कंडक्टर्स आर सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल सो दोज टू कंडक्टर्स एक्चुअली फॉर्म अ कैपेसिटर। सो जब हम पावर को इन द फॉर्म ऑफ एसी ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि तीन कंडक्टर्स होती हैं और हर दो कंडक्टर्स के बीच एयर होता है एंड दैट एयर एक्चुअली एक्ट्स एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो दो कंडक्टर्स के बीच हमारे पास कैपेसिटेंसेस अकर करती हैं, ये दो कंडक्टर एज अ कैपेसिटर बिहेव करते हैं। So an AC line has capacitance, therefore there is a continuous loss of power due to charging current even when the line is open. अगर line open भी हो तब भी charging current होगा और जब charging current होगा so there will be continuous loss. So these were the disadvantages of AC transmission. Conclusion: From the above comparison, it is clear that high voltage DC transmission is superior to high voltage AC transmission. High voltage DC transmission is superior to high voltage AC transmission.
ऑल दो जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम है वो एसी है, लेकिन अभी हम आराम आराम से डीसी ट्रांसमिशन की तरफ स्विच कर रहे हैं। क्यों स्विच कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ मर्करी आर्क रेक्टिफायर्स एंड डायट्रॉन्स। मर्करी आर्क रेक्टिफायर्स एंड डायट्रॉन्स, द इंट्रोडक्शन ऑफ मर्करी आर्क रेक्टिफायर्स एंड डायट्रॉन्स हैव मेड इट पॉसिबल टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी एंड वाइस वर्सा इजीली एंड एफिशिएंटली। Such devices can operate up to 30 megawatt at 400 kilowatt in single units. Like अगर आप इसी single line diagram को देख लें, we have the generating station. तो जो हमारा power generate होता है वो in the form of AC होता है, वो in the form of AC होता है. Then we have a transformer. So by using this transformer we can raise the voltage level. It means that jo power hamara generate ho raha hai that is in the form of AC, so our voltage will be AC. Fir usi voltage ko hum step up karte hain by using this transformer. Fir hum kya karte hain ki transmission se pehle hum mercury arc rectifiers use karte hain jo AC power ko convert karta hai DC power. It means that it will convert AC voltage into DC voltage, it will convert AC power into DC power. So फिर जब हम transmission करते हैं वो in the form of DC transmission करते हैं. After the transmission we use titrons. These are actually the inverters. Titrons actually convert DC into AC. तो फिर हम power को वापस DC से AC में convert करते हैं और फिर transformers के through उसी power को या उसी power का जो voltage level है वो रिड्यूस कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट वी हैव द डिस्ट्रीब्यूशन. सो ट्रांसमिशन हम डीसी में करते हैं और जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन वही एसी में करते हैं. सो ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दीस हाई पावर रेक्टिफायर्स एंड इन्वर्टर्स हमारा डीसी ट्रांसमिशन अभी पॉसिबल हो गया और इसीलिए हम डीसी ट्रांसमिशन में आराम आराम से इंटरेस्ट ले रहे हैं. चलिए, व्हाई? ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई पावर रेटिंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. सो वी आर यूजिंग दोज हाई पावर रेटिंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड रेक्टिफायर्स एंड इन्वर्टर्स. तो इसीलिए हमारा डीसी ट्रांसमिशन अभी पॉसिबल हो गया और अभी हम डीसी ट्रांसमिशन की तरफ स्विच कर रहे हैं ड्यू टू इट्स एनॉर्मस एडवांटेजेस. So this was all about the comparison of AC transmission to the DC transmission. If you have any question, you can ask. Thank you.